हेलो हेलो जी, DBF प्रदेश प्रभारी अजीत मिश्रा जी से बात हो रही है। जी जी बात हो रही है। जी उत्तर प्रदेश सच तक न्यूज एवं कोबरा TV चैनल के माध्यम से ओमकार नाथ मिश्रा। जी बताइए, सुनाइए कुछ। हमारे TV चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ आज आपसे जानना चाहता हूँ। जी जैसे कि इस समय मैं उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि अन्य देशों में देख रहा हूँ कि डिजिटल वॉलंटियर फोर्स से कई लोगों की नियुक्तियाँ हो रही हैं। जी 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 आप ये बताइए कि ये DBF क्या है? दरअसल एक डिजिटल वॉलंटियर जो फोर्स की जो बात आपने कहा, जी ये एक शासन प्रशासन का काम है। जी और जो नियुक्तियां वाली जो बात आप बताएं, वो डिजिटल वॉलंटियर फोर्स इंडिया के नाम पे हो रही है। जी जी जो कि ये है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, कि जी एक गैर सरकारी एनजीओ है ये, जी जो भारत सरकार द्वारा निबंधित सामाजिक संगठन है। जी जी यानी नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर। जी 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 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी थानों पे, आप लोगों को जानकारी होगी कि सभी थानों पे, जी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हमें लगता है कि अन्य प्रदेशों में भी, हर थाने पे एक DVF मतलब डिजिटल वॉलंटियर फोर्स के नाम से ग्रुप बनाया गया है। ठीक जी उसी तर्ज पे हमारा एनजीओ जो है डिजिटल जी वॉलंटियर फोर्स इंडिया कार्य कर रहा है। इंडिया कार्य कर रहा है जी, तो ये राज्य इसका ये उद्देश्य, जी हाँ जी ये राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होता है या भारत सरकार द्वारा? नहीं, ये तो अभी तो फिलहाल में, तो जब हम लोग इसको शुरुआत किए थे सन 2003 में हिमाचल प्रदेश से, तो अच्छा, उस वक्त ये राज्य सरकार में कल काम कर रहा था। जी लेकिन ये हमारे, इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने अथॉरिटी लेटर वोटर सब दिया हुआ था इसके लिए।